Can they see? Namaste, children. Namaste. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Namaste. 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 Okay. How are you all? Fine. 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 Okay. Now, which class is this? This is 7 ABC Hindi. Okay. Class. Okay. 7 ABC Hindi classroom. Other children are there. Please leave the class right now. Okay. Nada, how are you? Nada, can you hear me? Yes, ma'am. Ah, okay. Sriram, Hessa, Carlin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Anand. Yes, ma'am. Neha. Aaron. Lakshmi. Nihan. Okay. So, children, नमस्ते. आपके हाथ का जोन कीजिए. नमस्ते कहिए. नमस्ते. नमस्ते जी. नमस्ते. नमस्ते. So, 7th standard में हमारे लिए children listen carefully. Yes, ma'am. So, 7th standard में हमारे लिए शब्द एक टोपी है. आज हमारे लिए पढ़ने के लिए शब्द है हमारा टोपी, शब्द विचार. 6th स्टैंडर्ड में हमने शब्द क्या है, वो शब्द के तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आदि हमने पढ़ा था. ओके. तो आज शब्द के कुछ और डिविजन भी है, शब्द के कुछ और डिविजन, कुछ क्लासिफिकेशन, प्रकार, एग्जाम्पल्स हैं. ओके. सो आज हम शब्द विचार, ये है हमारा टॉपिक. बिफोर दैट, व्हाट इज शब्द? व्हाट इज शब्द अनान? व्हाट इज शब्द? शब्द माने क्या है? शब्द मैं हम बताएं. शब्द मैं हम बताएं. क्या हम बताएं? इट इज वर्ड. शब्द माने वर्ड. सो हम अंग्रेजी में इसे वर्ड कहते हैं या हिंदी में हम इसे शब्द कहते हैं. शब्द. सो शब्द क्या है, शब्द के कितने प्रकार है, देन इसके एग्जाम्पल भी आज पढ़ना चाहिए. ओके. सो लिसन केयरफुली चिल्ड्रन. देखिए, इन्मिले. ओके. ये है हमारा टॉपिक शब्द विचार. ये हम शब्द क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध या सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं. वर्णों के सार्थक समूह. वर्ण मीन्स रिदम. इंग्लिश में हम इसे अल्फाबेट्स कहते हैं. अल्फाबेट्स, वर्ण. मैम, शुड वी राइट इट? नो नीड, नो नीड. जस्ट लिसन केयरफुली. ओके. नो नीड टू राइट, लिसन केयरफुली. सो फर्स्ट, शब्द का डेफिनेशन है या वर्ड का डेफिनेशन है, वर्णों का सार्थक शब्द को या वर्णों का सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं. वर्णों के सार्थक समूह है शब्द. एग्जाम्पल देखिए चिल्ड्रेन, ये हम भ आ र. हेलो मैम. आ मैम. आ त
तो इस प्रकार भारत या एक्सक्यूज मैम क्या मैम आई वाज माय नेम इज श्री मैम आई वाज लास्ट ईयर मलयालम मैम माय मदर चेंज्ड मी इनटू हिंदी सो आई कैन ओके वेलकम टू हिंदी क्लास व्हाट्स योर नेम श्रीहरि वीएस श्रीहरि विच क्लास 7A ओके वेलकम वेलकम सो लिसन केयरफुली एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क ओके 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 मैम शब्द शब्द माने वर्णों के एक सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं शब्द माने वर्ड ओके वर्ण मींस हम इंग्लिश में हम इसे वर्ण मींस अल्फाबेट लाइक हमारा ए बी सी एंड ओके हिंदी में ये अ आ त र वो सो इसका समूह को वर्ड कहते हैं भारत एक वर्ड है एक शब्द है फूल एक शब्द है एक वर्ड है सो हियर मैंने स्प्लिट किया था ना भ प्लस आ प्लस र प्लस आ प्लस त प्लस आ इक्वल टू भारत ऑल मेटल्स आर एलिमेंट्स भारत ऑल एलिमेंट्स आर नॉट मेटल्स इस प्रकार है वर्ण का एग्जांपल या हमारा शब्द का एग्जांपल ओके सो यू नीड टू राइट इट No need to write. No need to write anything. Just listen carefully. Shabd means word or verb. Classmate, no, do cover when you're in English. Okay. Hesa, please unmute. Hesa. Yes, ma'am. Okay. Shabd kya hai, Hesa? Shabd. शब्द इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं वॉइस इट इज वर्ड वर्ड डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड ओके है सा प्लीज रीड दिस ओके या शब्द का डेफिनेशन रीड करना चाहिए रीड इट शब्द शब्द विचार शब्द व्योम का साधक समूह शब्द कहलाता है उदाहरण दे प्लस आ प्लस रा प्लस रा है सा इट इज र र प्लस र प्लस आ प्लस अ प्लस त प्लस आ भारत भारत सो है सा ये ह आ र आ नोट क्या है वर्ण है भारत क्या है वर्ड वर्ड You got the difference? Understood? Yeah, ma'am. वर्ण और शब्द का डिफरेंस हियर भ र आ त एंड वर्ण है भारत शब्द है ओके सो हमारा पहला टॉपिक है शब्द शब्द क्या है उस शब्द के लिए एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था ओके नेक्स्ट वी कैन मूव टू शब्द के प्रकार शब्द के प्रकार शब्द के मुख्य रूप से शब्द के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं शब्द के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं पहला सार्थक शब्द सार्थक शब्द दूसरा निरर्थक शब्द पहला सार्थक शब्द दूसरा निरर्थक शब्द शब्द के दो प्रकार होते हैं लिसन केयरफुली चिल्ड्रन फर्स्ट वन इज सार्थक शब्द दूसरा निरर्थक शब्द सार्थक शब्द माने देखिए डेफिनेशन इज हियर आई विल शो ओके ये है सार्थक शब्द सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ होता है जिनका कोई अर्थ होता है सो एक मीनिंग वाला शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं एक मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल विद्यालय मैम वी कांट सी एंड छात्र लिसन केयरफुली
शब्द के दो प्रकार होते हैं, पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। मिलन प्लीज अनम्यूट। ओके मिलन, हमारे शब्द के दो प्रकार होते हैं ना, दो प्रकार कौन से है? फर्स्ट वन इज कैन यू सी द बोर्ड, कैन यू सी वन पेज हियर? यस मैम। हां ओके, तो शब्द के फर्स्ट प्रकार क्या है? सार्थक शब्द, सार्थक। सेकंड वन इज निरर्थक, क्या है? निरर्थक। ओके कार्लिन प्लीज अनम्यूट। यस मैम। ओके प्लीज अनम्यूट। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो। दो प्रकार होते हैं, पहला क्या है? सार्थक, सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक, निरर्थक शब्द। ओके सो सबसे पहले हमको देखना है क्या है सार्थक शब्द, व्हाट इज सार्थक शब्द? लिसन, व्हाट इज सार्थक शब्द? चिल्ड्रन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट योर ऑडियो, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। ओके व्हाट इज सार्थक शब्द? वे शब्द है जिनका अर्थ होता है, जिनका कोई अर्थ होता है वो है सार्थक शब्द। एग्जाम्पल के लिए विद्यालय, अनान विद्यालय माने क्या है? अनान विद्यालय स्कूल, स्कूल। छात्र माने क्या है? साइंस, छात्र, छात्र, टीचर, स्टूडेंट। छात्र माने स्टूडेंट, स्टूडेंट। मालविका छात्र माने क्या है? स्टूडेंट, 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 माने स्टूडेंट। तो इस प्रकार के मीनिंग वाले शब्द को हम, इस प्रकार मीनिंग वाले शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द क्या है? वे शब्द हैं जिनका अर्थ होता है, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए विद्यालय, विद्यालय अर्थ होता है क्या है? स्कूल। छात्र स्टूडेंट अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द है। तो वे शब्द जिनका कोई मीनिंग होता है वो है सार्थक शब्द। देन इसका जस्ट ऑपोजिट है निरर्थक शब्द, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए साउंड्स, धर धर धर, घट 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 साउंड, नोकिंग साउंड, देन रेनिंग का साउंड। तो इस प्रकार का साउंड है ना शब्द, साउंड। तो साउंड को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो शब्द के दो प्रकार होते हैं, पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मीन्स इसका कोई अर्थ होता है। एग्जाम्पल के लिए विद्यालय अर्थ है, मीनिंग है। छात्र, देन सेकंड वन इज निरर्थक शब्द, वे शब्द होता है जिनका, लेकिन जिनका कोई अर्थ नहीं है वो है निरर्थक, अर्थ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए चिल्ड्रन, ओके निरर्थक शब्द देखिए। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ न हो, वे शब्द है वो वर्ड है लेकिन कोई अर्थ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए घट घट एक साउंड है, एक साउंड। देन धर धर एक आवाज से, एक साउंड है। तो इस प्रकार के शब्द को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने? शब्द क्या है, शब्द का डेफिनेशन क्या है, दो टाइप शब्द है, वन इज सार्थक शब्द, वन इज निरर्थक। सो वी कैन डिस्कस। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल शब्द क्या है, शब्द क्या है?
आई विल आस्क क्वेश्चन लिसन कैरफुली शब्द क्या है वर्णों के समूह को वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं शब्द को हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं शब्द के लिए दो भेद होते हैं शब्द के मुख्य भेद फर्स्ट वन इज सार्थक शब्द एंड सेकंड वन इज निरर्थक शब्द सार्थक शब्द का स्पेशलिटी है सार्थक शब्द वे शब्द है लेकिन कोई अर्थ नहीं है कोई अर्थ नहीं है कोई अर्थ है वो है सार्थक शब्द एग्जाम्पल के लिए विद्यालय छात्र सेकेंड वन इज निरर्थक शब्द कोई अर्थ नहीं है वे शब्द है लेकिन कोई अर्थ नहीं होता वह है निरर्थक शब्द मे बी वह कोई साउंड किसी प्रकार का साउंड वो करते समय वो साउंड रेनिंग का साउंड तो इस प्रकार का साउंड हमारा निरर्थक शब्द के अंदर आ जाते हैं ओके तो शब्द क्या है शब्द के दो प्रकार निरर्थक एंड सार्थक सार्थक मींस अर्थ होता है मीनिंग वाला शब्द अर्थ नहीं होता वह निरर्थक शब्द ओके सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट सेशन मींस इट इज नेक्स्ट शब्द का नेक्स्ट प्रकार ये हमने डिस्कस किया था एक भाग क्या है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कुछ और प्रकार है क्या क्या है सिक्स्थ स्टैंडर्ड में आई थिंक हमने डिस्कस किया था ये ओके तत्सम शब्द तद्भव शब्द देश शब्द विदेशी शब्द क्या क्या है तत्सम तद्भव देशज विदेशी मन में रखना है तत्सम तद्भव देशज विदेशी एक और बार तत्सम तत्सम तद्भव देशज विदेशी नेक्स्ट वन क्या है तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, जो शब्द संस्कृत लैंग्वेज से आए हुए हैं, वह है तत्सम शब्द वह है तत्सम शब्द जो शब्द वह संस्कृत से आए हुए हैं, संस्कृत से आए हुए हैं, वह है तत्सम शब्द तत्सम शब्द के लिए एग्जाम्पल है नेत्र नेत्र एक्चुअली ये संस्कृत शब्द है चंद्र चंद्र शरीर संस्कृत शब्द है लेकिन हम इसका प्रयोग हिंदी में भी करता चंद्र पृथ्वी होता है चंद्र चंद्र मून हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं एक्चुअली हमारा दीस वर्ड्स क्या है संस्कृत लैंग्वेज से आए हुए हैं संस्कृत लैंग्वेज से आए हुए हैं तो इस प्रकार के शब्द है तत्सम शब्द सेकंड वन इज तद्भव शब्द तद्भव शब्द सेकंड वन इज तद्भव शब्द तद्भव शब्द का स्पेशलिटी है तद्भव शब्द वो संस्कृत से रूप बदल कर रूप बदल कर वो हिंदी में आ गए हैं वो है तद्भव शब्द एग्जाम्पल के लिए पूत पुत्र ग्रह पुत्र घर 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 दुग्ध दूध ओके लिसन कैरफुली हु विल डू नेहा प्लीज अनम्यूट ओके नेहा आर यू रेडी ओके सो हम उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया था ना कितने प्रकार है उत्पत्ति की दृष्टि से दो नो नो उत्पत्ति की दृष्टि से सेकंड टाइम हमने डिस्कस किया था ना चार फर्स्ट वन इज पहला तत्सम तत्सम दूसरा तद्भव तद्भव तीसरा
Deshaj. Deshaj. And fourth one is? Videsh. Videshi. Very good, very good, very good, Neha. Good. So, is prakar hai, who will tell? Gauri, ek aur bar. Utpati ke drishti se, humare shabd ke kitne prakar hai? Can you repeat that again? Char. Gauri? Ma'am, can you please repeat that again? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Utpati ke drishti se, shabd ke kitne prakar hai? Char. Char. First one is? Tatsam. Tatsam. Dusara? Tadbhav. Tadbhav. Tisara? Deshaj. Deshaj. And chautha? Videshi. Videshi. Very good. Very good. Hello. Next, who will tell? Thank you. Thank you, Gauri. Please mute yourself. Ma'am, yes. Can you repeat it again, please? Okay, sure, sure. Sri Ram, please unmute. Sri Ram. Okay, ma'am. Okay. Utpati ki drishti se shabd ke kitne prakar hai? Char. Char. Pehla? Tatsam. Tatsam. Dusara? Tadbhav. Tadbhav. Tisara? Videshish. Tisara? Deshish. Deshaj. And chautha? Videshi. Videshi. Thank you. Thank you. So listen carefully, children. Ek aur baar dekhiye, any doubt is there? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश. ओके. मैम, व्हाट आर ऑल दिस? या? मैम, माय नेटवर्क वाज कट. व्हाट आर ऑल दिस? ओके ओके. दर जस्ट लिसन नाउ. ओके. लिसन केयरफुल. वन मोर टाइम आई विल एक्सप्लेन. ओके. हु इज दैट? हेसा? या मैम, हेसा. ओके ओके. तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार होते हैं. पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज एंड चौथा विदेश. सो फर्स्ट वन वी कैन डिस्कस व्हाट इज तत्सम शब्द. तत्सम शब्द माने वो संस्कृत से आए हुए है, संस्कृत से या संस्कृत लैंग्वेज से आए हुए है. एग्जाम्पल के लिए नेत्र, शरीर, चंद्र, ये सभी शब्द संस्कृत लैंग्वेज से आए हुए हैं. ओके. देन मूविंग टू सेकंड वन, इट इज तद्भव शब्द. तद्भव शब्द का स्पेशलिटी है ये शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, लेकिन कुछ उसका रूप बदल गया, चेंज हो गया, सम चेंजेस आ गया. देन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल के लिए पूद, पुत्र. एक्चुअली पूद संस्कृत वर्ड है, हम पुत्र के रूप में इसका प्रयोग करते हैं. पुत्र माने क्या है? बच्चा. नो नो नो, नॉट बच्चा. बेटा, बेटा 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 सन. ओके. सो सेकंड वन इज ग्रह. इसका मीनिंग घर. हाँ, घर. हाउस. राइट. सो इस प्रकार है हमारा, इस प्रकार है हमारा फर्स्ट टू क्लासिफिकेशन. तत्सम ओवर, तद्भव ओवर. एक और बार हमको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. सबसे पहले शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं. वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं. शब्द को इंग्लिश में या अंग्रेजी में हम वर्ड कहते हैं. देन शब्द के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं. पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द है वे शब्द है, लेकिन क्या है इसका अर्थ होता है, मीनिंग वाला शब्द है. एग्जाम्पल के लिए विद्यालय, मीनिंग है हाउस. देन सेकंड वन इज निरर्थक शब्द, वे शब्द होता है लेकिन क्या है इसका कोई अर्थ नहीं होता. एग्जाम्पल के लिए धर धर धर, धर घर, इस प्रकार के कुछ साउंड्स इसके अंदर आ जाता है. ओके. देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, इट इज उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार. उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार होते हैं.
पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। ओके, तत्सम शब्द है वे संस्कृत से आए हुए है। हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं, संस्कृत शब्द है एक्चुअली। एग्जाम्पल के लिए नेत्र, शरीर, चंद्र, चंद्र, वेरी गुड, चंद्र। देन मूविंग टू सेकंड वन, इट इज तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का स्पेशलिटी है ये शब्द संस्कृत से आए हुए है, लेकिन इसका रूप बदल गया, सम चेंजेस आ गया। एग्जाम्पल के लिए पूत, सेकंड वन ग्रह, घर, घर, वेरी गुड। हु सेड दैट? लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, वेरी गुड, वेरी गुड। सो इस प्रकार है हमारा उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के फर्स्ट टू क्लासिफिकेशन हो गए। देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज देशज शब्द। देशज, देश, देशज। देखिए क्या है यह, वे शब्द जो भारत की किसी भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वो भारत के हमारे इंडिया में है, बट इंडिया से कहीं और से हमारे हिंदी लैंग्वेज में हम प्रयोग करते हैं, वो भारत की किसी भी भाषा से, हम भारत में प्रयोग करते हैं बहुत सारे भाषाएं, वो भाषा से हिंदी में आ गए, इस प्रकार के वर्ड से देशज, हमारे देश के अंदर, हमारे देश के, हमारे भारत के अंदर या हमारे देश के किसी भी भाषा से हम उपयोग करते हैं ये शब्द, वो है देशज। एग्जाम्पल के लिए गुलाब, गुलाब बिजड़ी एंड और हमारे इंडिया में, हमारा भारत में किसी भी भाषा से आए हुए हैं। Then third one is, sorry, fourth one, चौथा is विदेशी शब्द। वो विदेशी है। Example के लिए, जो शब्द भारत से बाहर की किसी भाषा से आ गए हैं, वो विदेशी है। भारत के बाहर, okay? देशज का specialty क्या है? भारत के अंदर। विदेशी means भारत के बाहर से आए हुए शब्द है विदेशी। एग्जाम्पल के लिए हमारा इंग्लिश वर्ड्स, टिकट, टिकट, देन अमीर, अमीर उर्दू एंड ऑल, देन डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर आदि हमारा अन्य लैंग्वेज से, हमारे विदेशी भाषा से आए हुए। तो इस प्रकार है चिल्ड्रन, एक और बार देखिए शब्द क्या है। शब्द के मेन क्लासिफिकेशन दो प्रकार है, देन शब्द के चार भेद वो क्या क्या है। ओके, नाउ यू लिसन केयरफुली, हियर द लास्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी, शब्द क्या है? शब्द क्या है? शब्द वर्णों, वर्ण के छात्र समूह से होते हैं, हम होता है, होता है, है, है। शब्द के लिए किसी एक एग्जांपल बताइए लक्ष्मी, किसी एक एग्जांपल, एनी वर्ड, एनी वर्ड यू कैन टेल, एनी वर्ड। कुत्ता। हाँ कुत्ता शब्द है, वर्ड है। ओके वेरी गुड, देन मूविंग टू आदित्य। आदित्यन, वर्णों के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कितने प्रकार है आदित्यन। वर्णों के, सॉरी, शब्द के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? एक और दो? दो, दो। वो क्या क्या है, वो कौन से है? हु विल टेल मैम? मां गौरी, वो कितने प्रकार है? दो प्रकार है, वो कौन कौन से है? तद्र, फर्स्ट वन इज सार्थक, सार्थक, सार्थक शब्द। सेकंड वन इज निरर्थक शब्द, वेरी गुड। मूविंग टू जर्नल,
व्हाट इज सार्थक शब्द जर्नल व्हाट इज सार्थक शब्द जर्नल आर यू द प्रणव कैन यू हियर मी प्रणव कैन यू हियर मी यस मैम ओके व्हाट इज सार्थक शब्द सार्थक जो है व्हाट है अर्थ होता है या अर्थ नहीं है अर्थ होता है अर्थ होता है वो है सार्थक शब्द वेरी गुड वेरी गुड देन मूविंग टू दिया व्हाट इज निरर्थक शब्द जो अर्थ नहीं है अर्थ नहीं है वो है निरर्थक शब्द वेरी गुड मूविंग टू बालजा बालजा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है चार चार पहला तत्सम तत्सम दूसरा तद्भव तद्भव तीसरा देश देशज एंड चौथा विदेशी विदेशी वेरी गुड अनान कैन यू हियर मी अनान कैन यू हियर मी ओके व्हाट इज तत्सम शब्द तत्सम फर्स्ट वन तत्सम तत्सम इस केम तत्सम हैज केम फ्रॉम संस्कृत संस्कृत वो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं संस्कृत भाषा से आए हुए आंसर इज करेक्ट बट अनन जस्ट ट्राई इन हिंदी ओके नाउ इट्स ओके वेरी गुड मूविंग टू कार्लिन तद्भव शब्द क्या है कार्लिन तद्भव वे संस्कृति में आए और रूप भाषा से आए हैं रूप करते हैं हां रूप बदल गया राइट रूप बदल गया ओके देन मूविंग टू मिलन मिलन व्हाट इज देशज शब्द देशज जो शब्द देश के अंदर है अंदर आ गए हैं देश से हमारे देश से देन व्हाट इज विदेशी मिलन जो शब्द देश से बाहर से आए बाहर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो जो शब्द हमारे देश से भारत से बाहर सॉरी आ गए ओके सो थैंक यू सो मच सो इतना है मक्कले आई विल सेंड इन द ग्रुप नोट्स एंड ऑल आई विल सेंड इन द ग्रुप ओके जस्ट कॉपी इट एंड फाइल इट ओके सो क्या-क्या पढ़ा हमने एक साथ बताइए थैंक यू मैम शब्द शब्द के शब्द क्या है शब्द के दो भेद क्या क्या है देन उत्पत्ति की दृष्टि से के प्रकार वो क्या क्या है तत्सम तद्भव देशज विदेशी ओके थैंक यू सो मच चिल्ड्रन थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय मैम ओके ओके सो नेक्स्ट क्लास वी कैन डू ओके सो नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क क्वेश्चंस ओके मैम हमारे शब्द से ओके ओके मैम यस मैम ओके ओके चिल्ड्रन बाय यस मैम बाय नेजले भाई